हेलो दोस्तों, तो आज हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। गांधी जी से लेकर हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है, आज हम उससे आगे चलते हैं। और आज हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट जो आंदोलन है जिसकी हम बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। लाहौर के अंदर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था। ये कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अंदर बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन इस अधिवेशन को एक अलग वीडियो के अंदर इसकी जो बातें हैं उसको अलग से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम इस वीडियो, इस आंदोलन का महत्व ये समझेंगे कि इस अधिवेशन के अंदर, लाहौर अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके अलावा 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बागडोर गांधी जी को सौंप दी जाती है। देखिए, गांधी जी सर्वप्रथम इस आंदोलन को टालना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी कुछ मांगे थी और गांधी जी चाहते थे अगर शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेज उन मांगों को मान लें तो उनको आंदोलन ही न चलाना पड़े। लेकिन गांधी जी ने इसका प्रयास भी किया, लेकिन वायसराय, जो तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया। गांधी जी की जो प्रमुख मांगे थी, गांधी जी की 11 प्रमुख मांगे थी, जिन 11 प्रमुख मांगों को गांधी जी ने अंग्रेजों के या वायसराय के सामने रखा, जिनको वायसराय ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब चूंकि उनको मांगों को नहीं माना जा रहा था, तो गांधी जी के पास आंदोलन चलाने का एकमात्र रास्ता ही शेष बचा था कि अब तो आंदोलन ही चलाना पड़ेगा। अगर हम प्रमुख 11 मांगों की बात करें तो प्रमुख मांगे थी सेना का खर्च कम करना, पहला मांग थी कि सेना का जो खर्च है वो कम करना, और सिविल सेवा के जो वेतन था, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करना, पूर्ण शराबबंदी, गांधी जी की सेकंड जो मांग गांधी जी ने रखी, पूर्ण शराबबंदी की मांग को गांधी जी ने रखा। नेक्स्ट है कि जो राजनीतिक कैदी थे, जिन राजनीतिक कैदियों की रिहाई, राजनीतिक कैदी थे जिनको अरेस्ट कर रखा था, उनको रिहा करना। नेक्स्ट है कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों को रखने का लाइसेंस दिया जाए। लगान में 50% की कटौती, देखिए गांधी जी ने कहा कि जो लगान है, टैक्स है, उसमें 50% की कटौती की जाए। नेक्स्ट बात करें नमक कर को समाप्त करना, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने जो साल्ट टैक्स, नमक कर जो लगा दिया था, और नमक एक व्यक्ति के प्रतिदिन की आवश्यकता थी, उसको समाप्त करने की बात भी गांधी जी के द्वारा कही गई। नेक्स्ट है नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय, यानी जो भी नशीली वस्तुएं थी, शराब थी, अन्य जो नशीली चीज़ें थी, उनके क्रय विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई। नेक्स्ट हम बात करें आंदोलन की शुरुआत, यानी इस आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई। आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने अपनी 11 मांगों को लेकर, लॉर्ड 11 मांगों को लेकर वायसराय इरविन को जो लेटर लिखा था, जो पत्र लिखा था, उसमें वायसराय के द्वारा किसी प्रकार की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है। तब गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला, और कहा था कि अब इंतजार की घड़ी समाप्त है, अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा सत्याग्रह, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस कड़ी में 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। गांधी जी साबरमती आश्रम जो कि गुजरात के अंदर है, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों, फॉलोअर्स को साथ लेकर दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा लगभग 24 दिन तक चली थी और लगभग इसके अगर हम डिस्टेंस की बात करें 385 किलोमीटर लंबी यह यात्रा थी, जिसको पूर्ण करने में 24 दिन लगे थे। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने अपने हाथ में नमक लेकर नमक कानून को तोड़ दिया था। और इस नमक कानून को तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी दिन से हो गई थी। आंदोलन का कार्यक्रम, देखिए आंदोलन के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इस आंदोलन का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना, अर्थात नमक पर जो कानून टैक्स लगाया गया था उसका विरोध करना तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना। नेक्स्ट की हम बात करें, जो अदालतें थी या सरकारी स्कूल थे, महाविद्यालय थे या सरकारी समारोह थे, उनका बायकाट, उनका बहिष्कार करना। नेक्स्ट हम बात करें लगान पर रोक, यानी किसी प्रकार के टैक्स नहीं देने, यानी नो टैक्स, किसी प्रकार का कर, किसी प्रकार के लगान पर रोक लगा दी गई कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का टैक्स या कर नहीं देना है। नेक्स्ट की हम बात करें शराब तथा अन्य मादक पदार्थ की जो उस समय बिक्री की जा रही थी,
जो दुकानें बिक्री कर रही थी उनके सामने शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना। नेक्स्ट, विदेशी वस्तुएं तथा कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी वस्तुएं तथा कपड़ों का बहिष्कार यानी जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई और विदेशी कपड़ों को न पहनने के ऊपर लोगों ने एक मत कहा कि कोई भी व्यक्ति विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेगा। नेक्स्ट हम बात करें जो सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, यानी ये दूसरी कहा गया कि अंग्रेजों को जो भी हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं यहाँ के लोग अंग्रेजों की सहायता करते हैं तो सरकारी नौकरी से सभी व्यक्ति त्याग पत्र दे देंगे, इसके अंदर ये मांग रखी गई। आंदोलन की प्रगति, अगर हम आंदोलन की प्रगति की बात करें तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। था तमिलनाडु के अंदर सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी ने त्रिचेनगोड़ा आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। इसी कड़ी में आगे मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत। बायोकॉम सत्याग्रह के जो नेता थे केलप्पड़ ने की मालाबार के अंदर। अगर असम के अंदर हम बात करें तो असम के सिलहट क्षेत्र में और बंगाल के नोवाखली क्षेत्र में भी नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया। अगर हम पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात करें तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अंदर इस आंदोलन की अगुवाई जो खान अब्दुल गफर खान के द्वारा की गई या इन्हीं का दूसरा नाम सीमांत गांधी भी कहा जाता है के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। अब खान अब्दुल गफर खान के जो संगठन था इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार या इसी का दूसरा नाम लाल कुर्ती संगठन भी था। खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं या दूसरा इसका नाम था लाल कुर्ती संगठन। अब ये लाल कुर्ती संगठन था या खुदाई खिदमतगार संगठन था, इस संगठन की अगुवाई सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफर खान कर रहे थे और उनके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। अगर गढ़वाल रेजिमेंट को बुलाया जाता है उत्तर पश्चिम के अंदर जो आंदोलन फैल गया था उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को गढ़वाल रेजिमेंट को बुलाया गया। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को वहाँ बुलाया जाता है और जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही वहाँ पर आते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में वहाँ पर सिपाही आते हैं और उन सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया कि हम जो निहत्थे आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में मणिपुर के लोगों ने भी या जनजातीय लोगों ने भी इस आंदोलन पर चढ़ कर भाग लिया। नेक्स्ट, 13 वर्षीय बालिका गाडिनेलू ने भी इस आंदोलन में अपने नागा साथियों के साथ इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। बाद में इन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया और गाडिनेलू की जो उस समय एज थी सिर्फ 13 वर्ष की ही एज थी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे है उस पार्ट को कवर करेंगे।